क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर फोर है 25%। और इससे प्रीवियस जो हमारा जो था लेक्चर, उसमें हमने समझा था कि किस तरह परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके उनकी लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का जो पार्ट नंबर फोर है, 25%। 25%, और इसको सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज का क्वेश्चन उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ले करना है 25। और हमने समझा था कि जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शनल फॉर्म में आते हैं तो उसको परसेंटेज का जो सिंबल है रिमूव कर देते हैं और उसको पर 100 कर देते हैं, 25/100। ये आ गई है 25% की फ्रैक्शनल फॉर्म, 25/100। अब इसको उसकी फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। जो फ्रैक्शनल फॉर्म है यह है 25/100। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लेने का तरीका ये है कि हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। 25 और 100 को हम 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 5 टाइम 25 और 5, 2 टाइम 10, और 0 का 0। ये आ गया 5/20। हम अगेन इसको 5 और 20 को 5 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो अगेन इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 टाइम 5 और 5 4 टाइम 20, 1/4। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये 25% की लोएस्ट फ्रैक्शन ऑफ फॉर्म कहलाएगी। हम आगे है पार्ट नंबर 5, जो कि है 56%। 56%, 56% को फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले 56% मीन्स पर 100। ये आ गई फ्रैक्शनल फॉर्म, जो कि है 56/100। अब इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, और लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें पता है कि हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। हम 56 और 100 को 2 के टेबल से पहले डिवाइड करेंगे, 2 2 द 4, ये कैरी इधर आया तो ये आएगा 16 2 8 टाइम 16, और 52 टाइम 100 होता है, ये आएगा 28/50। अब हम 28 और 50 को अगेन 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, ये 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8, और आगे आगे 50 25 2 टाइम 50 होता है, ये आ गया 14/25। अब हम मज़ीद इसको 14 और 25 को किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये 56% की लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म कहलाएगी। आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर 6, जो कि है 48%। 48% इज इक्वल टू 48% मीन्स पर 100। ये आगे 48% की फ्रैक्शनल फॉर्म। अब फ्रैक्शनल फॉर्म जो 48/100 है, इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, और लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 2 द 4, और 2 4 टाइम 8, 2 50 टाइम 100, ये आएगा 24/50। अब हम अगेन इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 द 2, और 2 2 द 4, और 2 25 टाइम 50, 12/25। अब हम 12/25 को किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये 48% की लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म कहलाएगी। आगे है पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर वन का, जो कि है 8%। 8%, इसको सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आना है, 8% मीन्स पर 100। 8% की फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई 8/100। अब इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, और सबसे पहले हम इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 4 टाइम 8, और 2 50 टाइम 100 होता है, 4/50। अगेन हम इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 टाइम 4, और 2 25 टाइम 50। अब हम 25 और 2 को किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, 2/25, तो ये 8% की लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म कहलाएगी।